हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इस रिलेटेड आने वाले कुछ तीन चार वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर एंड ओशन, स्पेशली अ सस्टेन्ड इंक्रीज सफिशेंट टू कॉज क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, अपने अर्थ को गर्म करते जा रहा है। क्यों? बिकॉज हीट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचर है, उसको कहीं ना कहीं हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये क्या करता है, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का उसे बढ़ाकर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एटमोसफियर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहा है। ओशंस स्पेशली जो है वो सस्टेन्ड नहीं थे और वो इंक्रीज सफिशेंट टू द कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ये जो ओशन है, जो नेचर है, वो एक ही लेवल तक जाके रुके हैं। इस वजह से जो है सफिशेंट क्लाइमेटिक चेंज में चेंज होते जा रहा है। तो सिंपली देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ाते जा रहा है। हमने नेचुरल रिसोर्सेस को, नेचुरल जो भी हमारे पास सोर्सेस थे उनको ख़त्म किया है। हमने ट्रीज को काटा है, फॉरेस्ट को तोड़कर हमने बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्स बनाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बनाकर हमने कहीं तो गांव में एक जगह पे उसको फार्म हाउस के तरह पे बनाया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसका, वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर्स आर राइजिंग बिकॉज वी हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफियर। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ा दिया है अर्थ में। कैसे बढ़ाया है? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, गैस एंड ऑयल, एंड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। हमने बर्निंग किया है फॉसिल फ्यूल्स का, कोल और गैस का जलाया है, हम ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, ऑयल इन द सेंस योर पेट्रोल एंड डीजल, और फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया एकदम साफ। ये है रीजंस ग्लोबल वार्मिंग के। ग्रीन हाउस गैस जो है, अ गैस विच ट्रैप्स द सन्स हीट, सन का हीट जो ट्रैप करता है, रुकाता है सन हीट को, उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अभी एक ऐसा पोर जो है वो होल बनते जा रहा है हीट के वजह से, वो ग्रीन हाउस गैस भी कम होते जा रहा है। वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एग्जॉस्ट हो रहा है फ्रॉम कार एंड पावर प्लांट, जिस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सब हर एक के पास गाड़ी है, हर एक के पास टू व्हीलर है। आप दुकान में, किराना शॉप में जाओगे तो भी टू व्हीलर लेकर जाते हो। क्यों? टाइम बचाना है, वॉक नहीं करते ज़्यादा। ऑफिस में जाते हो डेली तो भी लंबा लंबा, हम सिंगल ऑफिस में 50 लोग हैं, 50 के 50 बाइक्स लेकर आते हैं, राइट। होता है पॉसिबली ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, इसलिए शायद पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस प्रोवाइड करा दिया गया है। हर 5 लोगों को एक गाड़ी पिकअप करती है, यानी सिर्फ एक व्हीकल का पोल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, 3 लोगों का जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या बोलते हैं उसको यूज़ जो है, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट इन द एनवायरनमेंट कम होगा। मीथेन यूज़ किया जाता है फॉर डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन लेवल्स आर एट देयर हाईएस्ट लेवल इन द पास्ट 420,000 ईयर्स, मतलब 420,000 साल से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो लेवल है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल में था पास्ट में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये जो कंपनी है, ये जो पोल्यूशन को एग्जॉस्ट करती है बाहर, उसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखता है। ठीक है, अब देखिए ये अर्थ है, मोस्ट रेडिएशन कैसे आता है, ऐसे यहाँ पर टकराता है और रिटर्न जाता है। तो मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट, अर्थ का सरफेस जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वो अर्थ को गर्म करता है। ठीक है, अब ये
some solar radiation is reflected by the earth and atmosphere. ये फिर रिटर्न जाता है, रिफ्लेक्ट होता है. पानी में जब कोई लेजर आप डालोगे तो वो एक डीपेस्ट पॉइंट में जाएगा एंड देन वो रिफ्लेक्ट करेगा इन रिटर्न. इसलिए जब भी आप समंदर किनारे फोटो लेते हो, पानी के अंदर फोटो लेते हो, तो वो ग्लो और ज़्यादा हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है वो. ठीक है. इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस क्या करता है, इंफ्रारेड एमिट करता है. सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर एंड सम इज अब्सॉर्ब बाय एंड री एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स. अफेक्ट दिस टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर. तो ये भी अगेन अर्थ को वार्म करता है. ठीक है. तो ये सोलर रेडिएशन पास हो रहा है थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर. राइट. तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो गैसेस है ये रिफ्लेक्ट करते हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है. अब जब बारिश होती है, सबसे पहले बार जब बारिश होती है ना, आप देखिए मेन रोड में जाइए, आप अपने घर के बाहर जो रोड है वहाँ पे जाइए, आपको गरम गरम भाप निकलता हुआ दिखेगा. आपको खुद को एक ह्यूमिडिटी पता चलेगी कि यार अर्थ में से गर्म हवा निकल रही है. राइट. ये गर्म हवा क्यों निकलती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ एक सर्टन लेवल से बाहर ज़्यादा ही हीट एब्जॉर्ब कर लिया है. इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने कुछ कहा है. अ साइंटिफिक बॉडी फॉर्मड इन 1988 टू इवेलुएट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी. 1998 में क्लाइमेट चेंज के लिए एक ग्रुप को फॉर्म किया है, इवेलुएट करके रिस्क क्या है क्लाइमेट चेंज के जो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से हुए हैं. ट्रेडेबल पोल्यूशन कोटा बनाया है. कंट्री दैट वॉन्ट्स टू एक्सीड इट्स कोटा ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन कैन बाय पार्ट ऑफ अनदर कंट्रीज कोटा ऑफ पुलिंग आउट गैसेस. ग्रीन हाउस एमिशन के लिए अब कोटा सिस्टम है, आपको एक लिमिटेशन दिया है, इतने लिमिटेशन तक ग्रीन हाउस गैस आप एमिट कर सकते हो. अगर किसी और कंट्री में बैलेंस बचा है तो उसका आप कोटा ले सकते हो. तो बेसिकली ये क्या है, परमिसिबल लेवल है. किसी और कंट्री ने वो परमिसिबल लेवल के 50% ही यूज़ किया है, तो उसका बाकी का 50% का जो परमिसिबल लेवल है आप उनको पैसे देकर खरीद सकते हो और अपना जो लेवल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का उसको इंक्रीज कर सकते हो. एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए बनाया था ताकि आपको समझे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ठीक है. और ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, धीरे धीरे हम फास्ट ट्रैक करते जाएंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे. स्पेशली आपको एक ही नोटिफिकेशन देना है, पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स कुछ रहेंगे तो आप पूछते रहिए. और मेन एंड इम्पॉर्टेंट, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा ही आपको नॉलेज आएगा और वो नॉलेज से आप कोई भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में. जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आप जनरली नॉलेज गेन करोगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी. बाय बाय.